भारत के पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने एक बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक एमएस धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने का फैसला 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल से पहले ही कर लिया था। श्रीधर ने भारत के 2019 के विश्व कप सेमीफाइनल के रिजर्व डे के दौरान ऋषभ पंत और कप्तान एमएस धोनी के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया है। न्यूजीलैंड की पारी के केवल कुछ ओवर ही बाकी थे। ब्रेकफास्ट हॉल में कप्तान के साथ आए ऋषभ ने माही से कहा, भैया कुछ लड़के आज अलग से लंदन जाने का प्लान कर रहे हैं, क्या आपको इसमें दिलचस्पी है? तो कैप्टन कूल ने जवाब दिया, नहीं ऋषभ, मैं टीम के साथ अपनी आखिरी बस ड्राइव को मिस नहीं करना चाहता। बता दें कि धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था।